Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Sakshi Agarwal. So in case you are new here, then I make videos on makeup, fashion, lifestyle and vlogs. Today I came up with the most requesting video on my channel, which is my vanity tour. Yes, you heard it right. Finally, I'm shooting it. एंड काफ़ी टाइम से ड्यू था ये एंड मुझे इतने कॉमेंट्स आ रहे थे हर वीडियो में लाइक मैं मेकअप की वीडियो बना रही हूँ बट आप लोग कमेंट कर रहे हो कि हमें वैनिटी टूर दिखना है सो या हेयर इट गोज मतलब द फैली हुई थी अभी ही क्लीन करी है मैंने ये सब कुछ एंड आई रियली होप कि यू लाइक माई कलेक्शन एंड एवरी थिंग लाइक ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टफ ऑर्गेनाइजेशन तो आपने देख ही रखी है अगर आपने नहीं चेक करी मेरी वैनिटी वाली वीडियो कि लाइक हाउ आई ऑर्गेनाइज माई वैनिटी You can go and check that out and आज मैं आपको पूरा कलेक्शन दिखाऊंगी अच्छे से अपना मेकअप का एंड लाइक नॉट मेकअप का जो जो इस वैनिटी में है उसका वैनिटी कलेक्शन एंड वैनिटी टूर यू कैन से बिफोर गोइंग अहेड प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इट वुड मीन अ लॉट टू मी एंड डू लाइक दिस डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स किसी को मेकअप खरीदना हो या फिर इन वाले प्रोडक्ट्स की उन्हें रिकमेंडेशन चाहिए हो यू कैन कॉमेंट डाउन एज वेल कि आपको इनमें से मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ऑब्वियसली बहुत सारे ही हैं तो अगर आपको किसी का रिव्यू चाहिए इन डेप्थ रिव्यू शॉर्ट रिव्यू या कुछ भी किसी के बारे में कुछ भी पूछना यू कैन टोटली आस्क मी दैट या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट स्टार्ट सो गाइस दिस इज़ हाउ माय वैनिटी लुक्स लाइक उसके साइड में ये शेल्फ भी है एंड आज हम इसका पूरा टूर देखेंगे सो आज हम इस वैनिटी का टूर देखेंगे एंड मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँगी इस पर क्या क्या रखा हुआ है एंड ऑल दैट स्टफ एंड इसके साइड में मैंने एक शेल्फ भी ली थी सो उसकी भी मैं आपको दिखा दूँगी साथ में ही सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द टेबल इट लुक्स लाइक दिस इस पर काफ़ी कम सामान रखा है मैंने क्योंकि ज़्यादा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर इट यहाँ पर एक केस रखा हुआ है एंड दिस इज़ फ्रॉम किरण वॉकर एंड इस पर मेरे काफ़ी ज़्यादा सन ग्लासेस नहीं है लाइक मैंने दो तीन ही रखे हुए हैं बाकी के मैं आपको भी आगे दिखाऊंगी एंड नेक्स्ट यहाँ पे VLCC का बॉडी लोशन है आई गॉट दिस इन पिया एंड ये मेरी छोटी सी गणेश जी की मूर्ति है ये मूर्ति मेरे पास अराउंड 6 to 7 ईयर्स से है एंड आई रियली लव दिस एंड ये हमेशा मेरे रूम में ही रहती है लाइक जब से वैनिटी आई है मैंने इसे यहाँ पर शिफ्ट कर लिया मतलब रख लिया बट अदरवाइज़ मेरी अलमीरा पे या फिर जो मेरी स्टडी टेबल है उस पर रहती ही थी ये तो अभी ये यहाँ पर आ गई है लुक एट दिस हाउ क्यूट ना एंड उसके बाद मेरी ये डायरी है एंड आई गॉट दिस डायरी फ्रॉम फूड फेस्ट हॉनोकी से मैंने ये वाली डायरी ली थी एंड इसके अंदर आई राइट ऑल माय स्टफ कि क्या क्या मुझे चाहिए नहीं क्या क्या मुझे अपने यूट्यूब पे कंटेंट बनाना है इंस्टाग्राम का कंटेंट या फिर मेरे मेकअप से रिलेटेड कुछ होता है तो आई राइट इट ऑल इन दिस उसके बाद नेक्स्ट ये एक छोटू सा केस है एंड इसके अंदर मैंने अपना जो असेंशियल आइटम्स होती है ना वो सब रखा है लाइक दिस वॉच एंड एक और वॉच है जो ये है ये मैंने पहनी हुई है ऑलरेडी सो मैं यही दोनों वॉचेस ज़्यादातर पहनती हूँ लाइक गोल्डन या सिल्वर वो ज़्यादातर सब पे चल जाती हैं सो सिल्वर मैंने अभी पहनी हुई है एंड गोल्डन ये रही एंड उसके बाद ये एक चेन है लाइक वो 3 लेयर वाली चेन नहीं होती ये वैसी वाली चेन है एंड उसके बाद आई हैव दिस रिंग एंड दिस ब्रेसलेट तो या मतलब जो हम डेली वेज में या फिर असेंशियल आइटम्स होती हैं एक्सेसरीज में वो सब है बाकी जो मेरा एक्सेसरीज का डिपार्टमेंट है बॉक्स है वो अलग है आपको पीछे दिख रहा होगा वो जो कलरफुल सा है पूरा उसमें पूरे में ज्वेलरी है और कुछ नहीं है सो ज्वेलरी का अलग है एंड इसमें बस थोड़ी बेसिक सी है सो उसके बाद आई हैव दिस स्टैंड आई गॉट दिस फ्रॉम आईकिया एंड ये काफ़ी सही है काफ़ी स्टर्डी है एंड बहुत हेवी भी है अगर आप इसमें कितना भी सामान रख लो अगर आपको लगता है कि गिर रहा है या कुछ ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता सो इसमें आई हैव सम लिपस्टिक्स एंड सम लिप ग्लॉस
ये थोड़ा शिमरी वाला लिप ग्लॉस होता है ना वो है ये। एंड इसके बाद मोर लिपस्टिक्स, दिस इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52, दिस इज़ फ्रॉम हुडा ब्यूटी। एंड आई एम सो सैड राइट नाउ, लाइक ये लिपस्टिक मेरे से ब्रोक हो गई है, टूट गई है। एंड आई रियली लव हुडा लिपस्टिक्स। एंड दिस इज़ मस्कारा मेबेलिन का, दिस इज लिपस्टिक फ्रॉम मैक। ओके दिस इज फ्रॉम पैक रेट्रो मैट ग्लॉस, आई लव दिस वन। दिस इज फ्रॉम मेबेलिन, ये वो जो पफिंग वाली नहीं होती। शिट मैन, ये क्या हुआ, अब मुझे क्लीन करना पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, ये थोड़ा कुशन टाइप का नहीं होता ऊपर, वैसी वाली है। एंड उसके बाद आई हैव दिस, अरे निकल जा, दिस इज फ्रॉम एल ए गर्ल। गाइस इस वैनिटी में ये बहुत बड़ी दिक्कत है, आई नो दिखने में बहुत क्यूट एंड बहुत सही एंड एस्थेटिक एंड ऑल दैट स्टफ अच्छी लगती है, बट इस पर ज़रा सा भी कुछ गिर जाता है तो ये फटाफट से निशान छोड़ देती है, क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली वाइट है। बट बेनिफिट एक ही चीज़ ये भी है कि अगर आप किसी भी कपड़े को लेके उसे ऐसे रब करोगे तो ये निशान हट जाता है। लुक एट दिस, थोड़ा बहुत रह गया, वो जब मेरी मेड आएगी तो फिर मैं उनको बोल दूँगी, शी विल क्लीन इट। बाकी अगर आप थोड़ा प्रेशर लगाओगे तो ये क्लीन हो जाएगा, बट अगर आपको कैमरे में दिख रहा हो तो थोड़ा थोड़ा सा स्टेन है इसमें, बट कोई नहीं। सो कमिंग बैक टू दिस केस अगेन, यहाँ पे दो लिपस्टिक्स हैं, दिस इज़ फ्रॉम किस लिप, ये बोरो प्लस है, आई डोंट नो ये क्यों रखी हुई है, बस पड़ी हुई है। ये परफ्यूम है, लाइक पॉकेट परफ्यूम होता है ना वो, सो ये भी परफ्यूम है। दिस इज़ निविया का रोल ऑन। एंड ये ऐसे ही है, लाइक वो नहीं होता नींबू रसना टाइप, वैसी है ये मिक्स करने का। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये रखा है, आई नो इसका कुछ यूज़ नहीं है यहाँ पे, बट आई रियली लव दिस। सो इसके बाद यहाँ पे आता है ये मिरर, ये मैजिक मिरर होता है ना, ये वो वाला मिरर है, लाइक इसके पीछे मेरी फ़ोटो लगी हुई है, पीछे नहीं लाइक इसके साथ ये केबल आती है, अगर हम इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर मेरी पिक्चर शो होगी, बट वो केबल पता नहीं मेरे से कहीं खो गई है। सो या दैट्स इट फॉर दिस। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं ड्रॉर्स पे, तो यहाँ पे एक ड्रॉर है एंड देन यहाँ पे तीन चार ड्रॉर्स हैं एंड यहाँ पे कुछ सामान रखने का जगह है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी आप अपनी वैनिटी को हाथ लगाओ आपके हाथ साफ हो, वरना इस पर यू नो तुरंत ही स्टेन लग जाएगा। इसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, वरना आप घिसते रहो बैठ के उसे। सो यार लेट्स ओपन इट। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, आई विल शो यू वन बाय वन। सो यहाँ पे गाने में मिसेलर वाटर है, एलोवेरा जेल टोनर, माय मॉइस्चराइजर, दिस वन क्रीम, माय सनस्क्रीन एंड दिस छोटे छोटे से बायोडर्मा के हैं ये पोर फिलर्स एंड दिस क्रीम एंड दिस एम्ब्रोलिस की क्रीम एंड आयूर का क्लेंजिंग मिल्क। बहुत सारा स्टफ पड़ा है, कुछ मैं यूज़ करती हूँ कुछ मैं यूज़ नहीं करती, ऐसे ही पड़ा है। सो उसके बाद ये मेरे ऐसी दवाइयों का स्टफ़ है, क्योंकि मेरा जो एक्ने स्कार्स हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट के थ्रू मेरा चल रहा है कोर्स वगैरह। सो उसके बाद यहाँ पे ऐसे छोटे मोटे से क्लस्टर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आई हैव दिस बेला वीटा का लिप बाम, दिस इंडस वैली का फुट क्रीम, फूशिया का फुट क्रीम, वैसलीन, असेंशियल ऑयल, बायोटिक का सिरम, पॉन्ड्स का पाउडर ऐसी पड़ा है ये, एंड ये क्रीम भी ऐसी पड़ी हुई है। एंड ये तीनों स्टफ़ मुझे पीआर में आए थे, ये मैंने खुद ख़रीदा था। सो उसके बाद इधर यहाँ पे सारे ब्रशेस हैं, ये ऐसे टिश्यू का पैकेट है, लाइक ये वाले ब्रशेस मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बट होता है ना कि कभी एक्स्ट्रा काम के लिए पड़ जाती है ज़रूरत। जो मेरे प्रोफेशनल ब्रशेज़ हैं वो मेरे अलग रखे हुए हैं, ये ऐसे ही है। ओके सो जो ये वाली रो है ये पूरी स्किन केयर की है, इसमें ऐसे ही पड़ा हुआ है स्टफ लाइक क्यूटिकल रिमूवर, ईयरबड्स एंड ऑल दैट स्टफ। एंड इसमें मेरी सारी टिक टैक पेंस हैं। उसके बाद यहाँ पे हेयर बैंड है,
क्योंकि मैं अभी आपको पूरा प्रोसीजर बताती हूँ क्या है यहाँ पे। मैं हेयर बैंड को जैसे लगाया, क्लीनअप वगैरह करते हैं या जो भी करते हैं घर पे ही, स्किन केयर, थोड़ा हेयर बैंड लगाते हैं ताकि बाल थोड़े सेट रहें। फिर ये एक हेड बैंड है जो आप फोरहेड पे लगाते हो। फिर ये आपका क्लेंजर है, फेस क्लेंजर। लाइक ये बहुत हेल्प करता है आपके फेस की डर्ट रिमूव करने में। एट द एंड ऑफ द डे आप इसे अगर यूज़ करोगे तो इट विल बी सो अमेजिंग फॉर योर फेस। एंड दिस इज़ माई फेशियल रेजर, ये भी मुझे PR में ही आया था। तो उसके बाद यहाँ पे है कुछ स्टफ जो है मेरे फेस मास्क, शीट मास्क होते हैं ना वो। सो एक ये है चारकोल मास्क, दिस इज़ फ्रॉम माई ग्लैम, ये भी मुझे PR में आया था शीट मास्क। ये नायका का है एंड फिलहाल अभी मेरे पास 3 ही हैं क्योंकि बाकी यूज़ हो गए। एंड ये ऐसे छोटू सा मिरर पड़ा हुआ है। ओके सो यहाँ पे कॉम्स हैं, लाइक ये पैडल ब्रश है, फिर ये सब कुछ कॉम्स हैं ऐसी। एंड यहाँ पे एक चॉकलेट रखी हुई है जो मुझे अभी खानी है। सो दिस इज़ इट, इस ड्रॉर में इतना ही सामान है। लेट्स क्लोज इट, लेट्स कम टू दीज ड्रॉर्स। तो गाइस ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, मैं ट्राई करूँगी इसे ना इसे कट एंड शॉर्ट कर पाऊँ, बट इफ़ नॉट देन प्लीज़ पार्डन मी, मैं इसे 2 या 3 पार्ट्स में डालूंगी जितनी लंबी होगी, आई डोंट नो। अभी देखते हैं, अभी तो पूरा लाइक सारे ही ड्रॉर्स बचे हैं, अभी तो एक ही ड्रॉर हुआ है। एंड फिर उसके बाद एक्स्ट्रा सामान भी है, सो कांट से एनीथिंग, आपको 2 या 3 पार्ट्स भी देखने पड़ सकते हैं। सो बी रेडी एंड थोड़ा तो रिजल्ट दो गाइस, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट वुड मीन अ लॉट टू मी, लाइक रियली आई रियली मीन इट व्हेन आई से दिस लाइन। सो कर दो यार, बहुत मेहनत पड़ती है। ओके सो फिर हम ये फर्स्ट ड्रॉअर को अगर ओपन करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें मेरा सारा फाउंडेशंस हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसे मेबेलिन के हैं, फिर ये नीचे पैक के फाउंडेशंस हैं, देन आई हैव दीज कंसीलर्स LA Girl के, देन दिस मिलानी का फाउंडेशन, ये MyGlam ने मुझे PR में भेजा था, ये मेबेलिन का कंसीलर है, ये ओलिविया की पैन स्टिक है, एंड देन ये हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन है, एंड ये वाला Forever 52 का है। तो गाइस इफ़ आई टॉक अबाउट फाउंडेशंस, मेरे पास बस यही फाउंडेशंस नहीं है, ये लाइक टोटल का मेरे पास कितना होगा 50% या फिर 40% ही है ये वाला स्टफ जो मेरा प्रोफेशनल यूज़ का है। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बताती हूँ कि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है वरना लोगों को, लोग मेरे से बोलते हैं कि आप प्रोफेशनल यूज़ में ये यूज़ करते हो, ये सारे मेरे पर्सनल यूज़ के हैं, ठीक है। जो मेरे प्रोफेशनल यूज़ का है उसकी वैनिटी एकदम अलग है, मैं इसमें कुछ नहीं रखती हूँ उसका, उसको और इसको एकदम अलग रखती हूँ, क्योंकि इट डजेंट साउंड कूल कि अगर आप प्रोफेशनल यूज़ का सामान अपने पर्सनल में भी यूज़ कर रहे हो तो वो हाइजीनिक नहीं रहता। तो मैंने अपना पर्सनल अलग किट बना रखी है एंड प्रोफेशनल की अलग किट बना रखी है। सो या प्लीज़ कीप दैट इन माइंड, एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ये सारा सामान खरीदना है, ये बस अपना अपना शौक हो जाता है। मैं लाइक आई लाइक द मेकअप स्टफ एंड बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट आपको चाहिए भी होता है, सो या। यहाँ पे सारे TL रखे हुए हैं, ये क्राइलन का है, फिर ये लैक्मे का है बनाना पाउडर, देन ये फिटमी का पाउडर है, देन आई हैव पैक का पाउडर, बहुत सारे हैं। एंड यहाँ पे ऐसे ही कुछ प्राइमर्स रखे हैं, ये मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ, ऐसे ही पड़े हुए हैं बस। हाँ ये वाला कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ लैक्मे का, बट अदरवाइज आई यूज़ एलोवेरा जेल, वो आपको पता ही है। एंड ये वाला इनसाइड का प्राइमर, ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। यहाँ पे कुछ असेंशियल ऑयल्स हैं जो फेस के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, फेस ऑयल्स। एंड ये ऐसी ही BB क्रीम है पॉन्ड्स की, जो पता नहीं मैंने कभी यूज़ नहीं करी। एंड ये लैक्मे की BB क्रीम है जो कि बहुत बेकार है, मत लेना। सो यही सब था फर्स्ट ड्रॉअर में, लेट्स क्लोज इट। सो कमिंग टू सेकेंड ड्रॉअर, ये मेरा फेवरेट ड्रॉअर है एज आई लव हाइलाइटर्स। यार ये स्टिक फिर से यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे ये सारे हाइलाइटर्स एंड ब्लशेस हैं, फॉर एग्जांपल
दिस इज फ्रॉम माय ग्लैम रोज हाइलाइटर, पीआर स्टफ, स्ट्रॉबेरी ब्लश, अगेन पीआर स्टफ, मेबेलिन के मास्टर क्रोम हाइलाइटर, दो शेड्स में ये होलोग्राफ, ये ब्लू हेवन का ब्लश है, ये भी मुझे पीआर नहीं आया था, ये भी ब्लू हेवन का है, ये पता नहीं मैंने कितने साल पहले ख़रीदा था, ये मालियाओ का ग्लो हाइलाइटर है, ये भी मैंने पता नहीं बहुत टाइम पहले ख़रीदा था, मतलब जब मेकअप की नॉलेज नहीं थी ना तब। सो ये मेरे पास शुगर का है कॉन्टोर पैलेट, कॉन्टोर नहीं है, आप इसे ब्रॉन्जर की तरह यूज़ कर सकते हो, ये भी मैंने खुद ही ख़रीदा था, नॉट इन द पीआर। ओह गॉड, एक हाथ से यार संभालना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। ये लिप बाम है ओरिफ्लेम की, एंड ये पैलेट है अर्बन चॉइस बाय इन कलर, ये बिल्कुल मत लेना आप लोग। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, इट कम्स इन अ फोर शेड, दिस ब्लश पिंक काइंड ऑफ शेड, सिल्वर, ब्राउन एंड येलो, बट बहुत ही ज़्यादा अजीब सा, पता नहीं पिगमेंटेड काफ़ी है बट पाउडर इतना ज़्यादा आ जाता है थोड़ा सा लेने में भी, आप देख सकते हो मैंने इसे बिल्कुल यूज़ नहीं करा है बट पता नहीं रखी हुई है, मेकअप फेंकने का मन नहीं करता यार पता नहीं क्यों। एंड ये कॉन्टोर स्टिक है, लाइक कॉन्टोर एंड हाईलाइटर, यहाँ से हाईलाइटिंग कर सकते हो आप एंड यहाँ से कॉन्टोर कर सकते हो, बट इसकी कॉन्टोरिंग इतनी ज़्यादा वो नहीं है, अगर आपको बिल्कुल लाइट कॉन्टोरिंग रखनी है तो आप कर सकते हो। देन आई हैव दीज इल्यूमिनेटर्स, दिस फ्रॉम पैक, दिस इज़ फ्रॉम मैक, दिस इज़ फ्रॉम माय ग्लैम, ये भी मुझे पीआर में ही आया था एंड ये भी माय ग्लैम का ही है एंड दिस इज़ सो कूल, लाइक यू जस्ट हैव टू शेक इट एंड इट जस्ट यू नो दिस इज़ मैजिक पोशन रोल ऑन इल्यूमिनेटर। एंड यहाँ पे फिर सारे लिपर्स हैं, ये हुडा ब्यूटी की मैंने अभी परचेज करी थी रिसेंटली, गॉड गिर गई, सारी गिर गई। मैंने दो परचेज करी थी, एक ये और एक मेरी प्रोफेशनल किट में है एंड एक मेरे पास पहले थी जो मैंने आपको दिखाया कि वो टूट गई एंड फिर ये लैक्मे की है। देन आई हैव मैक, अगेन मैक, एक मैक मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, फिर ये तो ऐसे ही हैं फेसेस की, देन माय ग्लैम की है, एक किस लिप की है, बहुत सारा तो पीआर में भी आया हुआ है मेरे को ये माय ग्लैम वगैरह का एंड एक ये भी है, ये कौन सी है, शुगर प्लम रिमेल लंदन, ये वाली लिपस्टिक भी काफ़ी अच्छी है, अगर आपको पिंकिश काइंड ऑफ टोन चाहिए अपने लिप्स पे तो यू कैन बाय दिस वन। फिर एक ये वाली है दिस, फिर एक ये वाली है, दिस इज इन द शेड ग्लिटर टिंट एंड कौन से ब्रांड की है ये, इनसाइट की है, ये भी थोड़ा डार्क पिंकिश टोन होता है ना वो वाली है, आई डोंट नो मैंने यूज़ तो करी नहीं है ये, मैं ज़्यादातर न्यूड्स ही यूज़ करती हूँ, सो ये पड़ी हुई हैं बस, कलेक्शन डूब कलेक्शन। ये लिप क्रेयॉन है माय ग्लैम का, दिस इज सो स्मूथ यू गाइस, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक स्वॉच, दिस सो स्मूथ एंड सो लाइक अमेजिंग कलर, अगर आप लिप्स पे लगाओगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बहुत सारा है लिपस्टिक का कलेक्शन, ये शुगर का बॉक्स है, इसमें सारी शुगर की हैं, ये सारे शुगर की हैं लिपस्टिक। देन ये यहाँ पे ऐसी रिंग लाइट पड़ी हुई है मेरी एंड ये मेरे पास लिप पेंसिल है एंड दिस इज़ द ब्लश पैलेट फ्रॉम क्रायलॉन। थर्ड ड्रॉर, सो ये सारा आईज का ड्रॉर है, मैं आपको खाती हूँ। सो आप ये जो देख रहे हो मुझे हटाना ही पड़ेगा क्या पूरा? सो ये वाली जो पैलेट है दिस इज़ फ्रॉम मॉर्फी, फिर एक ये वाली पैलेट है, ये ऑस्ट्रेलिया की पैलेट है, इसमें काफ़ी अच्छे कलर्स हैं
फिर दिस इज फ्रॉम जेम्स चार्ल्स। फिर इस वाले बॉक्स में सारे ग्लिटर्स एंड पिगमेंट्स रखे हुए हैं। ये आईब्रो किट है फ्रॉम एल ए गर्ल। यहाँ पे आईलैश ग्लू रखी हुई हैं, दो स्टॉक करके रखना पड़ता है। एंड ये वाली मेरे पास डुओ की है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है क्योंकि मैंने इसे काफ़ी यूज़ करा है। ये मैं अपने प्रोफेशनल यूज़ में भी यूज़ करती हूँ क्योंकि अभी इसमें थोड़ा कम बचा हुआ है तो मैंने इसमें रख लिया। फिर अगेन ये क्रायलॉन का पिगमेंट है, ये मैंने ब्यूटी ब्लेंडर का बॉक्स था, मैंने कट करके इसमें रखा है क्योंकि ये ना पिगमेंट थोड़ा फैल जाता है। फिर ये वाली पैलेट है मेरे पास, आई शेडो पैलेट, एक ये है, एक मेकअप रेवोल्यूशन की है। ये सारी मेरी पर्सनल पैलेट बता रही हूँ मैं आपको, जो प्रोफेशनल यूज़ में है वो तो अलग है। फिर ये ऐसी कुमकुम पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने एक बार बंगाली ब्राइड करी थी तो मुझे चाहिए था। फिर ये दो ऐसी लाइनर्स हैं, ब्लू एंड येलो, गोल्डन आई मीन। फिर ये एक्वा कलर पैलेट है जिससे हम बॉडी पेंटिंग वगैरह करते हैं। ये पिगमेंट टावर है, इसमें ऐसे स्टफ पड़ा हुआ है, लाइनर्स, काजल, मस्कारा एंड लिक्विड शैडोज ग्लिटर वाले। अगेन काजल फॉर फॉरएवर 52, नहीं ये वाला तो एल ए गर्ल का है, फॉरएवर 52 वाला भी था मेरे पास, आ गया आई गेस मैंने अपनी दूसरी किट में ना रख लिया हो। तो यहाँ यही सब है, यहाँ पे ईयरबड्स रखे हैं, यहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट लेंस रखे हुए हैं। सो बस यही सब था। नाउ फोर्थ ड्रॉअर, ये ऐसे ही है, लाइक इसमें सारी नेल पेंट्स रखी हुई हैं। ये ऐसी शुगर की लुक बुक आई थी मेरे पास PR में ही, तो मेरे पास ये वो भी पड़ी हुई है। मुझे काफ़ी सही लगी थी ये लुक बुक तो मैंने रख ली। लाइक देखो इसमें अलग अलग लुक्स हैं, लाइक लेजी ब्रांच, ओफो, ये नाइट आउट लुक, दिस इज वेडिंग सीजन लुक, मॉर्निंग वेडिंग, हाउस पार्टी, लाइक बहुत सारा है इसमें। सो सारा तो नहीं दिखा सकती। ये ऐसी आई शेडो किट है जो आपने देखी होगी हर घर में, हमारी मॉम्स या फिर ग्रैंड मॉम्स यूज़ करती थी, तो ये वही वाली किट है। जब मेकअप का कुछ नहीं पता था तो ये वाली पड़ी थी और अब ये पड़ी ही है, ऐसे ही पड़ी है। और एक ये वाली है, इसमें पिगमेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा। फिर मेरे पास एक ये एम के फेन का किट है, लेट मी जस्ट शो यू, इसमें दो चीज़ें हैं, दिस बॉडी स्क्रब एंड दिस चोको बॉडी बटर। तो ये दोनों चीज़ें हैं एम के फेन की किट में। सो नाउ फिफ्थ ड्रॉअर, इसमें ऐसे ही रखा हुआ है, मतलब ये दोनों ड्रॉर जो हैं, लास्ट टू ड्रॉर्स ऐसे ही हैं। ये एम के फिन का नाइट जेल है, ग्रीन टी नाइट जेल। इस बॉक्स में मेरे सनग्लासेस रखे हुए हैं, खुल जा। तो ये सारे सनग्लासेस हैं, बाकी कुछ जो अच्छे अच्छे हैं, थोड़े जो मेरे फेवरेट हैं वो इसमें रखे हुए हैं। फिर ये ऐसी बॉक्स है लिप लाइनर्स का, स्विस ब्यूटी का, ये भी मुझे PR में ही आया था। यहाँ पे ये परफ्यूम है, यहाँ पे ये भी परफ्यूम है। तो देन आई हैव दिस कवर, इसमें आप कुछ भी डाल के थ्रो कर सकते हो। दिस इज़ वेरी गुड फॉर गर्ल्स, गर्ल्स यू शुड डेफिनेटली हैव इट। सो लास्ट ड्रॉअर, इसमें तो सब फालतू का ही भरा हुआ है। सो नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, इसमें इस वाले बॉक्स में तो मेरा सारा PR का सामान है, सारा तो नहीं है, जितना आ पाया उतना, बाकी मेरे बेड के नीचे है। मेकअप के लिए जो भी प्रॉप्स वगैरह चाहिए होते हैं वो सब है इसमें, दीज हेयर एक्सटेंशंस, एंड यहाँ पे मेरा हेयर का सामान है। सो गाइस इफ यू डोंट नो, लाइक आई एम ऑल्सो हेयर एक्सपर्ट, हेयर केमिकल मैंने सीखा हुआ है प्रोफेशनली, एंड अगर आप में से किसी को कराना हो तो यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो, लाइक हेयर स्मूथनिंग, केराटिन,
कलर, हाइलाइट्स, रूट टचअप एंड जो भी। मैं आज ही रूट टचअप करके आई हूँ, ये देखो यहाँ पे लग गया, अभी दो तीन दिन में हटेगा। तो यहाँ उसी का सामान रखा हुआ है मेरा, हेयर का थोड़ा बहुत जो भी है। ये मेरे DSLR का बैग है एंड यहाँ पे मुझे आज एक PR आया था, ये ट्रेसे में से वो रखा हुआ है। सो दैट्स इट गाइस, यही सब है इसमें वैनिटी टूर में। सो गाइस यही सब था वैनिटी टूर में, छोटी मोटी सब सामान जो भी था एंड कैसे रखा हुआ है या जो भी है। इसमें जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो आप Amazon से ले सकते हो एंड इफ़ यू वॉन्ट, आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, आई शेयर इट विद यू गाइस। एंड बाकी जो टेबल पे ऑर्गेनाइजर रखा हुआ है दैट आई बॉट फ्रॉम IKEA। एंड ग्लासेस का केस मैंने आपको बता दिया, कैरन वॉकर से है। एंड जो गोल्ड वाला केस है जिसमें मैंने अपना एसेंशियल्स रखे हुए हैं एक्सेसरीज़ के, वो भी IKEA से ही बाई किया था मैंने, काफ़ी टाइम पहले बाई किया था, लाइक 2-3 ईयर्स बैक, नहीं ज़्यादा, 1-2 ईयर्स बैक आई गेस। सो या यही सब। बाकी जो प्रोफेशनल वाली वैनिटी है मेरी, वो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, उसमें अभी मुझे काफ़ी चीज़ें हैं जो और डालनी हैं, बिल्ड करनी है। बट वैसे तो आप कितना भी खरीद लो, मेकअप वैन भी कभी कंप्लीट नहीं होती, बट स्टिल 90% मेरी कंप्लीट है मैं कह सकती हूँ। मेरे पास ऑलमोस्ट बहुत सारे ब्रांड्स का सामान है, लाइक गुड हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स का सामान आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर का तो बहुत ज़्यादा है, वो तो चलता रहता है। तो हाई एंड में मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें और ऐड करनी है, उसके बाद आई डेफिनेटली शो यू गाइस। एंड या यही सब था वैनिटी टूर में। इसके साथ मैंने एक शेल्फ भी ली थी, तो अगर आपको नहीं पता तो ये वैनिटी और शेल्फ दोनों कस्टम मेड हैं, कुछ ऑर्डर पे बनवाई थी मैंने ये। वैनिटी का तो मेरा था ही, बट साथ में मुझे था कि शेल्फ भी चाहिए, क्योंकि दोनों साथ में काफ़ी सही लगते हैं, कूल लगते हैं। सो ये शेल्फ भी मैंने ली थी एंड इस शेल्फ पे मैं कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सामान रखने के लिए ली थी या कुछ भी, बस ऐसे ही कि लाइक पिक्चर्स अच्छे आएंगे या जो भी है। तो मैंने इसमें अपने सारे बैग्स, सारे नहीं, तो इसमें मैंने अपने बैग्स रख रखे हैं जस्ट टू शो कि यहाँ पे खड़े होकर पिक्चर खिंचवाओ तो अच्छी आ जाती है। तो वही है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये बैग पैक है, ये भी हैंड बैग है, अगेन हैंड बैग एंड ऊपर कुछ नहीं रखा, फिर वो ज़्यादा बड़ा बड़ा सा लगता। सो या दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक दोनों चीज़ें साथ में। That's it for this video guys, thank you so much for watching the video. I really hope that you liked it and enjoyed it, and do share it with your friends and do let me know agar aapko kisi product ka review chahiye ya fir or if you have any suggestions ki wo bhi meri vanity mein hona chahiye product, to do let me know. So I'll see you guys in the next video, till then bye bye.